22 मार्च को हुए जनता कर्फ्यू का असर अब सब्जी और फ्रूट मार्केट में देखने को मिल रहा है। जहां सब्जी 20 रुपए की थी, अब वही सब्जी 50 रुपए में बेची जा रही है। 31 मार्च मतलब लॉकडाउन तक यह परिस्थिति और भी खराब हो सकती है। जहां एक ओर जनता कर्फ्यू को लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली, वहीं दूसरी ओर इसका विपरीत असर देखने को मिला। देश और दुनिया में प्रसारित कोरोना वायरस नामक महामारी ने लॉकडाउन की नौबत ला दी है। नागपुर का संतरा मार्केट, जो हमेशा चहल पहल में होता है, वहां भीड़ देखने को तो मिली, लेकिन केवल यहां के परिसर की जीवन आवश्यक वस्तुओं की दुकानें, जैसे मेडिकल शॉप, सब्जी और फ्रूट की दुकानें खुली थी। इसी बीच एक सब्जी विक्रेता के साथ बात करने पर पता चला कि उन्होंने जनता कर्फ्यू के बाद सब्जी के दाम बढ़ा दिए हैं। सब्जी भाजी पे इस तरह का असर हो गया, जो 22 तारीख के पहले जो पब्लिक आती थी, तो पब्लिक को इतना यानी ये दहशत नहीं दी कि अभी इतना ये फैलेगा करके, इतना ये होगा यानी सब्जी भाजी का, यानी सब्जी भाजी भी मार्केट बंद होने वाला है, यानी वो उनको उतना मालूम नहीं था। उसके कारण जो 22 तारीख के पहले जो एक बार यानी उनको समाचार, यानी जो लोगों ने समाचार देखे थे कि भैया 22 तारीख के बाद बंद रहेगा, तो पब्लिक 21 तारीख को यानी कई सब्जी मार्केट में सब्जी लेने वाले कस्टमर आए थे। जो सब्जी हम पहले जो 22 मार्च के पहले जो लाते थे, जैसे हम 20 रुपये 25 रुपये खरीदी होती थी, आज वही सब्जी हमने 40 रुपये किलो लाया और 50 रुपये किलो बेच रहे, यानी सब्जी कम आने के कारण थोड़ा दुगना भाव हो गया था। वहीं जब एक खरीदार से बात हुई तो उन्होंने कहा, जरूरती चीजों के लिए बाहर आना आवश्यक है, हालांकि हम सारी सतर्कता और निर्देश का पालन कर रहे हैं। कुछ नहीं, बेसिक नेसेसिटी जितनी चीजें होता आदमी निकलेगा और बेसिक नेसेसिटी लेके अपने अपने घर रहना चाहिए सबने, सभी का प्रिकॉशन है उसमें, इट्स गुड फॉर एवरीवन। बस अपना बेसिक नेसेसिटी लिया कि अपन अपने घर सब सैनिटाइजर लेके घूम रहे हैं, ऐसे ही घूमना चाहिए सबने, खुद का प्रोटेक्शन खुद ही करना चाहिए, दैट्स इट। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का निर्देश दिया गया था, जिसके चलते पूरा देश जो है बंद था, संचार बंदी बंद कर दी गई थी, कोई भी यहाँ वहाँ आने जाने के लिए बाधित हो गया था। तो ये जो 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया था, उसके बाद में हम जब 23 मार्च को हम जब रास्ते पर निकलकर लोगों को देख रहे हैं, तो कुछ जगह पे ऐसा दिख रहा है कि लोग अब भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं जो 31 मार्च तक लगाया गया है। लेकिन हम अभी फ़िलहाल में हैं संतरा मार्केट में, जहाँ पे एक सब्जी मार्केट भी है, जो जहाँ पे लोग ज़रूरती चीज़ें खरीदने के लिए आए हैं। 22 मार्च के पहले जब 21 मार्च की बात करें, तो उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ देखी गई थी सब्जी लेने को लेकर। लेकिन जब हम 22 मार्च को जो भीड़ जो ना के बराबर थी, मतलब बंद था जनता कर्फ्यू की वजह से, हम जब 23 मार्च को देख रहे हैं कि वो सब्जियाँ दुगनी भाव में बेची जा रही है, इससे जो ग्राहक है उनको भी इस चीज़ का थोड़ा सा नुकसान झेलने को मिल रहा है, क्योंकि जो उनकी ज़रूरती चीज़ है वो तो उन्हें लेनी ही पड़ेगी। अब इसका ये जो लॉकडाउन किया गया है 31 मार्च तक, लोग तो अपनी ज़रूरती चीज़ें लेने के लिए बाहर आएंगे ही, इसका प्रतिसाद लोगों से कितना और मिलता है, कितना इनका सहयोग रहता है, कितना ये समर्थन करते, ये अभी देखना और भी बाकी है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ दीपिका धनेश्वर, INBCN न्यूज़ नागपुर।